हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता तो सब बनाते हैं, लेकिन आज हम ऐसे स्टाइल में बनाएंगे कि बहुत ही ये टेस्टी और यमी बनेगा। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैं पहले बैंगनों को भून लूँगी, तो यहाँ पर हम गैस पर भून लेंगे। अगर आप गैस पर भूनना नहीं चाहते हैं, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी इसको जैसे हम आलू उबालते हैं वैसे ही हम इसको उबाल सकते हैं। इसे ही हम इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए लगा देंगे, माइक्रोवेव करेंगे तो ये अच्छे से हमारे जो बैंगन है वो बन जाते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा भून के बनाएंगे तो इसका थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो इसलिए हम इसको भून के ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ ही टमाटर भी भून लिए थे, तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे जो बैंगन है वो भून गए हैं, तो इनको मैंने एक अलग से रख लिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और इसके जो सारा छिलका है वो धीरे धीरे से उतार देंगे। तो धीरे धीरे से हम इसमें पानी डालते जाएंगे और ये धीरे धीरे से ठंडे होते जाएंगे। और ठंडे होने के बाद मैंने इनको छील लिया था, और छीलने के बाद ये देखिए अभी भी बहुत ही इसमें से भाफ निकल रही है, यानी कि अभी ये बहुत गर्म है। तो हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो अच्छे से पीसने के बाद ही हम इसको तड़का लगाएंगे। पहले हम इसको अच्छे से जो हमारे टमाटर हैं वो हम इसी में ही ऐड करके हमने पीस लिए हैं, अलग से नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन, उसमें मैंने डाल दिया जीरा, कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। और इनको अच्छे से हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो इसमें हम डाल देंगे, पहले प्याज डालेंगे, फिर डालेंगे हम इसमें मसाले डालेंगे, यानी कि हल्दी, नमक, मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, जो भी हम मसाले सब्जियों में यूज़ करते हैं वही हम इसमें यूज़ करने हैं। बस इसमें हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देना है, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। और हम इसमें डाल देंगे अब अपने जो हमने पीसे हुए बैंगन है वो सब इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से हिलाएंगे, और हिलाने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के स्लो फ्लेम पर रख देंगे। और इसके बाद हम इसको 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। दही और तो 2 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी बैंगन का भरता बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी डाल देंगे हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो लीजिए बैंगन का भरता झटपट से बन के रेडी हो गया है। तो आप भी खाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो गाइस फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।